होती वरदान गढ़ी कपूरा, जिला होती वरदान गढ़ी कपूरा से 15 अगस्त से बाद हम वहां से झगड़ा हुआ, लूटमार शुरू हुई। तब हम रात को होती मरदान पहुंचे गांव से भाई बस। रात वहां गुजारी। क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र क्या रही? उम्र तो पता नहीं, 5-6 साल थी। अच्छा, पर आपको याद है कि क्या हुआ? हाँ, लूटमार हुई उससे बाद फिर। नहीं तो आपको पता कैसे लगा कि वो एकदम मुसलमानों ने हमला करा हिंदुओं पे? अच्छा हाँ, और लूटमार शुरू कर दी। अच्छा, फिर वहां से हम भागे घर से, गुरुद्वारे में गए। अच्छा, गुरुद्वारे में रुक के शाम तक। अच्छा, रात को वहां से फिर पैदल निकले, फिर आगे दरिया पार से बस खड़ी थी, बस पे बैठे मरदान कैंप में पहुंचे। मरदान कैंप से फिर लोग इधर उधर हो गया, फिर ये होती मरदान शामनगंज मोहल्ले में रहे। उससे बाद फिर रेलगाड़ी से निकले, वाघा कैंप पे पहुंचे। रास्ते में वाघा कैंप पड़ता है हिंदुस्तान के रास्ते में। वाघे कैंप से फिर निकले, गाड़ी पे बैठे रेलगाड़ी पे। वहां से फिर हम जलंधर कैंप पे पहुंचे। जलंधर कैंप से फिर किसी के साथ फिर हरिद्वार पहुंचे ट्रेन पे बैठ के। तो वहां पे आपका क्या था जो आप छोड़ के आए थे? कौन सा गांव था, क्या था? गढ़ी कपूरा था। अच्छा, होती मरदान जिला गढ़ी कपूरा गांव। तो वहां क्या काम करते थे? वहां पिताजी वो कपड़े का काम करते थे और कुछ जमीनें थी। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी। अच्छा, जो मुसलमानों के आधे पे दे रखी थी। अच्छा, तंबाकू की फसल होती थी, गेहूं की होती थी, मक्की की होती थी। और आपके बाकी रिश्तेदार वहां कहाँ रहते थे? हाँ, बाकी रिश्तेदार कहाँ रहते थे? वहाँ रिश्तेदार हमारे चाचा थे, कहाँ वो भी वहीं रहते थे। अच्छा, गढ़ी कपूरा में। अच्छा, तो इस साइड का भी आना नहीं होता था? किस साइड? पंजाब के इस साइड? नहीं, पंजाब में नहीं आए। होती मरदान जिला था ना, बचपना था। अच्छा, नहीं तो हिंदुस्तान कोई नहीं आता था तब इस साइड? ना, काम के लिए भी कोई नहीं आता? ना ना ना, काम के लिए कोई, कारोबार के लिए नहीं आता था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जब आप वहां से आए, क्या लेकर आए साथ में? साथ का 4 कपड़े लेके आए, जो लूटपाट हो गई थी सब सामान की। कोई सोना नहीं? कोई वो नहीं? सोना पिताजी के पास थोड़ा सा होगा या किसी ने दिया होगा, पता। अच्छा, तो आपके सामने वहाँ कुछ लूटपाट, कुछ खून खराबा नहीं हुआ आपके सामने? सब घर लूट के ले गए थे। अच्छा, तब भागे? हाँ। अच्छा, सब हिंदुओं के घर लूटे गए थे, आग लगाई गई थी। तो फिर यहाँ पे आए, तो फिर कहाँ आए? हरिद्वार? फिर कैसे शुरू किया? हरिद्वार में पहुंचे, वहां जो कुछ कहा खाते रहे। फिर हरिद्वार से वो 30 जनवरी जिस दिन गांधी मरा, उस दिन सहारनपुर आए हम। अच्छा, 1948 में गांधी मरा था। हाँ, तब सहारनपुर आए। तो आपको यहाँ कुछ अलॉट नहीं हुई जमीन? कुछ यहाँ कुछ जमीन वगैरह कुछ अलॉट नहीं? वो एक तो क्वार्टर मिला था क्लेम में। हाँ, और 1.5-2 हजार रुपए मिला था। हाँ, और जमीन अलॉट हुई थी पर कब्जा नहीं मिला था। कहाँ लौट रही थी जमीन? ये नहीं पता मुझे, यही कहीं गाँव। अच्छा, कब्जा नहीं मिला? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या किया जब यहाँ पे आए? तो वहाँ तो आप स्कूल? वो पापा फड़ी फड़ी लगाते थे कपड़े की। अच्छा, फिर धीरे धीरे काम शुरू हुआ। तो वहाँ पे क्या छोड़ कर आए इतना भी नहीं पता आपको? वहाँ पे क्या छोड़ कर आए वो भी नहीं पता आपको? वो जमीन थी ना खेती बाड़ी की। अच्छा, वो छोड़े आए थे, मकान था वो छोड़े आया था।
दुकान किराए की थी या अपनी थी ये नहीं पता, मकान अपना था। वही तो हो गया और कुछ बचा है?